नियु बोलिया रे आया बुढ़ापा और तू कड़वा चल के जय हो ओ मन मत ना बेच किसान मने आपकी ताली चाहूंगा समर्थन चाहूंगा अच्छी लाइन आगे की लगे तो क्यों न्यू कहने लगे आंसू बहा के हक मेरे मेरे इब कांदे में दम ना रह रहा और मत ना करे बिरान मने आया बुढ़ापा कड़वा करके मेरे मत ना बेच किसान मने मेरे इब कांधे में दम ना और मत ना करे बिरान मने आया बुढ़ापा कड़वा करके क्यों कहने लगे अरे मेरे अंधाता एक बात तो समझ तेरा मेरा मेल था मैं जन्मिया उससे थोड़े दिन पहले तू जन्मिया तू बालक था मैं भी बालक तू जवान होया मैं भी जवान हो लिया इब तेरे पे भी बुढ़ापा है मेरा भी बुढ़ापा है पर जीवन भर का साथ रहा है इतना बड़ा बिछोड़ा मत करे और के कहने लगे कैसे डेढ़ साल का बालक था जिब नाथ सरोज बनाया था उम्र दो बरस थी मेरी तन जुए तड़े लगाया था हल जोत्या तेरी गाड़ी खींची कोलू तेरा चलाया था मन चुकता कर दिया गौ माता ने मुझे जितना दूध पिलाया था चुकता कर दिया गौ माता ने जितना दूध पिलाया था तेरा कुमा कुमा के घर भर दिया कमा कमा के घर भर दिया कमा कमा के घर भर दिया तेरी ऊंची राखी शान बने आया बुढ़ापा करवा चढ़के मत ना बेच किसान मने तेरे इब कांधे में दम ना रे रा अरे मत ना कर बिरान मने अरे आया बुढ़ापा करवा चढ़के आदरणीय बड़े भाई बहुत प्रिय मित्र भी हैं भाई परवीन जी आनावास गौ माता के बड़द के इस गीत पर इस रागनी पर सजनों 500 रुपए से सम्मानित किया एक बार जोरदार तालियां परवीन भाई के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो अपनी बस्ती में मेरा मान सम्मान किया और के बताया दूसरी कड़ी में कुमा कुमा के घर भर दिया तेरे और ये भाई गौ माता के भजन पर 10 रुपए देते हैं इनका भी धन्यवाद क्यों कहने लगे अरे मेरे अंदाता मेरे मालिक ओ मेरे भगवान मेरे खुदा चाहे सर्दी का मौसम था चाहे गर्मी का मौसम था चाहे चौमासा था जीव तने बोल मार दिया मैं उस वक्त खड़ा हो लिया तू 4 बजे खेत पर ले जाया करता था मन ने कभी मना नहीं करी कितना ही तक हम क्यों ना हो कितनी गर्मी क्यों ना हो
बोल कदर नाट्या हूं, पर आज जी मेरे बस की नहीं है तो कसाई को सौंपने लगा कि ये बोलिया जाडे में तेरी गैल ठिरिया, अरे जाडे में तेरी गैल ठिरिया, और घाम में गैल जला करता, गहरी जावे हड़की फाड़ी में चारी गैल फिरिया करता, नहीं कदे मने हार मानी मेरा कंधा खूब मजा करता, जितना बोया बीज मने तेरा सौ सौ गुना फलिया करता, जितना बोया बीज मने तेरा सौ सौ गुना फलिया करता, अरे सरसों गेहूं और ज्वार बाजरे, सरसों गेहूं ज्वार बाजरे, सरसों गेहूं और ज्वार बाजरे तेरे पोए ही खुरदान मने, आया बुढ़ापा पड़वा करके मंदना में सार मने, मेरे इब कांधे में दम ना रह रहा और मतना कर बिरान मने, मेरा आया बुढ़ापा पड़वा करके प्रवीण वे भाई विनोद जी दोनों मित्र हैं मेरे, बड़े प्रिय साथी हैं भाई प्रवीण जी और भाई विनोद जी, 500 पहले और 600 ये यानी कि 1100 रुपए दोनों भाइयों ने दिए, एक बार तालियां बजा के स्वागत। और देखिए मेरी माता जी इकट्ठा करके लाई हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इस गीत पर, इस रागनी पर पुरस्कार दे के गए, वाह भाई वाह, बैज लगा के आया, ले भाई फोटो ले इसका एक, इधर कर मुँह, शाबाश। आज तीसरी कली में यूं बोलिया के हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि पहले बैल बोलिया करते, ये मेरी माता बहनों ना बैल पहले बोलिया करते ना आज बोलिया करते, कवि की कलम बोल रही है, भाव दर्शाए हैं। और वह बैल यूं कहने लगा कि सुन मेरे मुंह में बोलता कोई ना, पर जिस माँ से तू जन्मे आई सी मेरी माँ थी, कसाई के हवाले मत करे, क्या कहता है भला कि ये बोलिया कैसे? और ध्यान लगा के शाबाश, ध्यान लगा के सुन अन्नदाता, मेरी बात में रोल नहीं, भरी जवानी में खेत कमाया हुया में डामा डोल नहीं, आया बुढ़ापा तू बेचन लग्या, आया बुढ़ापा तू बेचन लग्या, मेरा एक कोड़ी का मोल नहीं, तन सारा दर्द बता दूंगा मेरे बेशक मुंह में, अरे बोल नहीं, सारा दर्द सुना दूंगा मेरे बेशक मुंह में बोल नहीं। अरंत में यूं कह गया मेरी माताओं के, इब तेरे थान पे पैर पसारू, तेरे थान पे हर पैर पसारू, इब तेरे थान पे पैर पसारू, अरे भिक्षा दे जजमान मने, आया बुढ़ापा करवा करके मतना बेच किसान मने, मेरे इब कांधे में दम ना रह रहा और मतना कर बिरान मने, कड़वा तरके के
देश को हिंदुस्तान कहते हैं, क्योंकि इस देश का जब बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ था। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरदारों आप सभी जानते हो, युवाओं आप भी सुनो, इस देश का जब बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ था, एक तरफ मुसलमान भाई एक तरफ हिंदू भाई, लेकिन इस देश को हिंदुस्तान नाम दिया गया। पर साथियों जिस देश में गऊ कटती हो और सरेआम कटती हो, बोले फिर वो देश हिंदुस्तान कहलाने के योग हो सकता है? वो बैल यूं कह रहा है, अरे सुन, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। मरना तो मुझे भी है, मैं ये बात जानता हूं, पर ऐसे नहीं मरना चाहता जैसे यो कसाई मारेगा। ओ सरदारों, मेरी माताओं कैसे कैसे मारते हैं, पहले तो बैल या गाय के खाल को गर्म पानी से उबाल देते हैं, उपड़ जाती है, उल्टा लटकाते हैं, फिर यहां साल कर देते हैं गर्म लोहे के, उससे नीचे कढ़ाई होती है, ऊपर से खून टपकता है। तो ऐ मेरे हिंदुओं, वो गऊ तुम्हें गाली देती होगी। आज वो बैल भी यूं कहने लगा, तू अपने हाथ से मुझे काट दे, दर्द नहीं होगा, पर कसाई के हाथों मरना नहीं चाहता, तेरे घर पे मर जाऊंगा। और क्या कहता है चौथी कड़ी में के? मत ना हबाले, मत ना हबाले करे मने तू इन बेदर्द कसाईया के, हत्थे में मेरा गात फंसा दे, हत्थे में मेरा गात फंसा दे, दया नहीं अन्याया के, मेरी नाड पे आरा धर दे, लगे लानत जननी माया के। और आगे की लाइन अच्छी लगे तो ताली चाहता हूँ। अरे मेरी नाड पे आरा धर दे, लगे लानत जननी माया के, पर मेरे तेरे दोष नहीं, लगे सारे हिंदू अरे भैया के, मेरे तेरे दोष नहीं, लगे सारे हिंदू भैया के। आजाद सिंह इब तेरी मर्जी, आजाद सिंह इब तेरी मर्जी, आजाद सिंह इब तेरी मर्जी, दे दिया बतेरा ज्ञान मने, आया बुढ़ापा कड़वा करके, तेरा मत ना बेच किसान मने, मेरे इब कांधे में दम ना रह जाओ, मत ना करे विधान मने, आया बुढ़ापा कड़वा चल के। जोरदार ताली, जोरदार ताली।